सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी शुद्धि दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे जो भी वीडियो होते हैं, पहले वीडियो से लेकर के और आज तक और आगे भी जो वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो, कोई भी वीडियो हो, ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए आवश्यक ना हो। हमारा हर वीडियो आपके जीवन को प्रगति देने के लिए आवश्यक सामग्री से युक्त है। अब आप उसका लाभ लेना ना चाहें, उस वीडियो को देखना ना चाहें, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो यथाशक्ति जो भी सामग्री देते हैं वो सामग्री साफ सुथरी होती है। हमारी वो सामग्री आप लोगों के जीवन के लिए ही है। आप भले ही समझें कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो वही सामग्री देता हूँ जो सर्वोपकारी हो, सबके लिए हो। हाँ, हमारी सामग्री किसके लिए अच्छी नहीं होगी? जो खुद अच्छा नहीं होगा उसके लिए वो चीज मिट्टी के समान है। जो खुद अच्छा है उसको वो चीज फायदा करेगी करेगी। कुछ समय से कुछ ऐसे लोग मिले जिनका मेरे साथ कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा। मैं तो अपनी तरफ से किसी का अपमान नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से किसी को भला बुरा भी नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों ने अवश्य कहा, अनाधिकृत चेष्टा की, जो काम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं किया। भाई, गुरु के सामने भी कोई बुद्धि का प्रयोग करेगा, बल्कि बुद्धि का नहीं, कुबुद्धि का प्रयोग करेगा तो गुरु उसको दे क्या पाएगा, क्यों देगा? ये चालाकियां, ये 420, ये तिकड़मे, ये जो कुछ भी है संसार में काम आने वाली हो सकती है, गुरु के लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसे सब कुछ पता चल जाता है। आप मुंह से ना भी कहें तो भी उसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है, तभी वो गुरु बना है, ऐसे तो बना नहीं है। गुरु के पास कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि कौन किस नियत से आ रहा है। कोई व्यक्ति ये चाहता हो, ये जानता हो, सोचता हो कि हम इसे कुछ छिपा लेंगे, हमारी मनोवृत्ति इनसे छिप जाएगी और हम इनको मूर्ख बना करके चले जाएंगे, तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है, वो कुछ यहाँ हो नहीं सकता। हम करना भी चाहें तो भी नहीं हो पाएगा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम भी करना चाहें उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये ईश्वरीय लीला है, ईश्वरीय विद्याएं हैं। जिसके पास वो नहीं जाना चाहती हैं उसका दिमाग वो खराब कर देंगे। फिर वो भले ही अपने आप को कितना बड़ा भक्त समझता रहे,
कितना बड़ा ज्ञानी समझता रहे, कितना बड़ा वो अपने आप को होशियार समझता रहे। शक्तियों की तो अपनी कसौटी होती है, वो जिसके पास नहीं जाना चाहती वो नहीं जाएंगी, किसी भी तरीके से नहीं जाएंगी। तो वो शक्तियां फिर रोकती हैं और हमें मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहकर भी फिर उसको कुछ नहीं दे पाते। तो ये तो शक्तियों का चुनाव है। वो अगर आपको चुनेंगी तो हम आपको चुनेंगे, वो नहीं चुनेंगी तो हम क्या चुन पाएंगे। अब किसी शक्ति से आप काम लेना चाहते हैं, किसी शक्ति से आप अपने जीवन को उन्नति की ओर करने में अग्रसर करना चाहते हैं, तो शक्ति के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर उस शक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो भाई वो शक्ति इस बात के लिए बाध्य तो नहीं है कि वो आपका काम करे, क्यों करेगी? शक्तियां आज तक किसी की गुलाम नहीं हुई। ये मनुष्य का भ्रम है कि वो साधना करके या कुछ करके वो शक्तियों को बांध सकता है या शक्तियों को गुलाम बना सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। बल्कि आप शक्तियों के गुलाम बनते हैं, शक्तियां आपकी गुलाम नहीं हो सकती। मनुष्य की कुछ वर्षों की जीवन लीला है ना, 60, 65, 70, 80, 90, 100, अरे हम कह रहे हैं 150 जी जाओगे। अगर आप 150 साल 200 साल भी जी जाएं, तो भी उन शक्तियों के बराबर की शक्ति आपके अंदर कभी नहीं आ सकती। अब आप अफीम खा करके बात करते हो तो एक अलग की बात है। जिन्होंने अफीम चढ़ाई हुई है उनसे मैं बात नहीं कर सकता। क्यों? मनुष्य की शक्ति और ईश्वर की शक्ति में फर्क है। आप 1000 साल भी जी जाएं और पूरे तन मन धन से लग जाएं उन शक्तियों को उसमें, तो उनसे बड़े थोड़े हो जाएंगे आप, कोई नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य ये कि आप समर्पण रखें, अपना श्रद्धा रखें। जब आप श्रद्धा और समर्पण रखते हैं तो शक्तियां आप पर रिझती हैं, और इसी में, उनके रिझने में ही आपका कल्याणमय जीवन हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप केवल और केवल शुभ शक्तियों की ही आराधना करें, पूजा करें। जीवन को सर्वतोमुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये धन आप प्राप्त कर सकते हैं रसायन विद्या की साधना से। पर रसायन विद्या इतनी सरल नहीं है, सस्ती भी नहीं है, और सस्ती भी हो तो भी हम उसको इतना सस्ता नहीं रखते। हमने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया है वही कहते हैं, वही सत्य कहते हैं। मनुष्य के व्यवहार का मुझे सूक्ष्म अध्ययन है। जिस किसी के साथ भी मैंने आज तक अच्छा किया, दया की, जिस किसी के साथ मैंने दरिया दिली दिखाई, धोखे और नफरत उन्हीं से मिली, इसलिए मैं तटस्थ हूं।
चूंकि नाम लेने की मेरी आदत नहीं है तो मैं नाम नहीं लेता हूं, ना ही लूंगा। किसी का नाम लेकर के उसको बदनाम करना ये मेरी नियत में नहीं है, और ये चीज आप आज से नहीं देख रहे हैं, जब से चैनल बनाया तब से देख रहे हैं। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है उसका मैं जिक्र जरूर करता हूं वीडियो में, जिससे कि दूसरे लोग उससे थोड़ा सा समझ जाएं, दूसरे लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा लेता फिरूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ एक्शन लेता फिरूं और क्या कहते हैं कि शिकायत मुकदमा इत्यादि करता फिरूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। इसलिए कोई बात यदि कोई दो शब्द मुझे गलत भी कह देता है तो मैं उसको मतलब एक कान से सुन करके निकाल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायर हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं शक्तिहीन हूँ, ये भी नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरा साधनात्मक जीवन, विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुआ जीवन, जिसे लोगों को सुख समृद्धि बांटनी है, जिसको अपना काम करना है, वो काम छोड़ करके मैं दुष्टों के पीछे भागता फिरूं, उसे हो क्या जाएगा? मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। इसलिए जितने भी ऐसे लोग आए, संभवता है कि 3 साल में, 3-4 साल में 50-60 लोग ऐसे हो गए होंगे, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने वाले वो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, वो सब देखते हैं, उन पर सब छोड़ दिया है, और मेरा जो काम है उन्होंने जो मुझे आदेश दिया है मैं वो काम कर रहा हूँ, वही करता रहूँगा। और हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। एक हमने कहावत सुनी है, बनिए बिगड़िए नहीं। जो बनिया होता है, बनिया का अर्थ किसी जाति से नहीं है, बनिया का मतलब होता है जो वाणिज्य कर्म करता है या कुछ ऐसा करता है तो वो बनने के लिए करता है, बिगड़ने के लिए नहीं करता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब बनिया से कोई लड़ता है तो वो गड़ी ईंट उखाड़ता है, यानी कि सारा गुस्सा उसका गड़ी ईंट उखाड़ने में ही खत्म हो जाता है। वो ईंट से किसी को मारता नहीं, सामने ईंट पड़ी होगी उसको नहीं उठाएगा, वो उस ईंट को उखाड़ने की कोशिश करेगा लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे को गुस्सा आ रहा है और मैं ईंट से मारना चाहता हूँ इसको, लेकिन वो उस ईंट का प्रयोग मारने के लिए नहीं करेगा। जब तक वो सारा काम उसका यहीं तक है कि ईंट पकड़ लेगा कि अब भाई ईंट ही नहीं उखड़ी तो हम मारें कैसे, सीधी सी बात है। तो मैं भी यही, कम से कम ये जो काम है, कितना भी हम उसको देश हित के लिए, धर्म हित के लिए और कहें, फिर भी प्रोफेशनल भाषा में उसको कहा तो वाणिज्य ही जाएगा, कहा तो उसको व्यापार ही जाएगा, है ना, और उसका टैक्स भी मुझे देना पड़ता है, GST भी करवा रखती है। इस प्रकार से तो बीच में एक फोन आ गया था, उठाना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यही है
कि अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी, तो मेरे पास केवल वही मिलेगा जो किसी को लाभ पहुंचा सकता है, उसके जीवन को सुखी कर सकता है। मेरे पास किसी को बर्बाद करने वाली विद्या है ना, किसी को महारण मोहन उच्चाटन वशीकरण है ना, ये जो कुछ भी है, इसके लिए कोई संपर्क ना करे, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण इत्यादि जितनी भी ये विद्याएं हैं, मैं ये मानता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है और मैं भी ये मानता हूँ कि ये काम पामरों का है और मैं पामर नहीं बनना चाहता, इसलिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे पास वही लोग संपर्क करें जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी से परेशान है, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है और किसी बुरी शक्ति के चंगुलों में फंस गए हैं, उससे मैं छुटकारा तो आपको दिला सकता हूँ, परंतु मुझसे कोई कहे कि ये खटकर्म आप करें या सब, मेरे बस में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना मैं किसी के लिए कर सकता हूँ। एक मेरा प्रिय शिष्य है, मेरे इनकार करने पर वो, उसने अभी मुझसे काफी दिन से बात करनी छोड़ दी है। उसने वशीकरण के लिए कहा था, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उसने कहा आप 6 महीने बाद कर देना, जब समय मिले तब कर देना। मैंने कहा जब मैं करना ही नहीं चाहता हूं तो मैं कर कैसे दूंगा, नहीं करूंगा मैं। जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा कि मुझसे उसके लिए बात ही न करें। हाँ, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही, प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको हल करने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको प्राणों तक का खतरा हो वहाँ तक भी ठीक है कि मैं उसको दूर करने का उपाय आपको बता सकता हूँ, है ना। बस इतना ही है। आप कीमिया सीखना चाहते हैं, आप कीमिया सीखिए। आप पारद विज्ञान में, स्वर्ण विज्ञान, रजत विज्ञान, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, पर यह है कि उसकी अच्छी खासी फीस भी आपसे लगेगी और उसमें किसी को अब कोई कभी रियायत नहीं मिलेगी। रियायत का टाइम जा चुका है। किसी भी तरीके से कोई कन्विंस न करे कि मैं अमुक हूं, आपकी जाति का हूं, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। मेरी सेवाएं मानव मात्र के लिए हैं, जो भी अच्छे लोग हैं उनके लिए है, बस अच्छे लोगों के लिए ही मेरी सेवाएं हैं और यही मेरे गुरुदेव का, यही मेरे इष्टदेव का आदेश है। मैं उनसे बंधा हूं, अपने गुरुदेव से और अपने इष्टदेव से बंधा हूं, मैं और किसी से नहीं बंधा हूं, कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी सिखाऊंगा, जो कुछ भी कहूंगा, भले ही मैं मुंह से उसकी गारंटी ना लूं, लेता भी नहीं किसी से, लेकिन किसी को निराश नहीं होना पड़ता है। ये मेरे अनुभव की बात है, किसी को आज तक मैंने निराश नहीं किया। इसलिए मैं जब बात करता हूं तो यही कहता हूं, सुधी दर्शक गण, सुधी साधक गण। सुधी का मतलब क्या होता है? सुधी, सु माने अच्छी या अच्छा, और धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि अच्छी है उनके लिए मेरी सेवाएं हैं, बाकी नहीं। ठीक है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।